इस बिजनेस को कैसे करना है। सिंपल दो चीज़ करना है, यूज एंड शेयर का बिजनेस है, और यूज एंड शेयर के बीच में दो चीज़ आती है। पहले हम प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लोगों को बताते हैं, फिर वो कहते हैं यार तुम्हें अच्छा लगा, हम उनको भी दिला दो, तो उनको आप सिस्टम में ले आते हैं। या तो वो कंज्यूमर बनता है या वो बिजनेसमैन बनता है। अगर बिजनेसमैन बनता है तो आपके साथ पार्टनर बन जाता है, उसकी ज़िंदगी आपको संवारनी पड़ती है, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे जैसे अगर 14 लोगों को भी आप बदल देते हैं दोस्तों ज़िंदगी में, तो मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल GBT पा सकते हैं, और एक GBT की शानदार लाइफ होती है। मिनिमम इनकम आप समझ लीजिए 2-2.5 लाख रुपये से लेके आप 80 करोड़ 88 करोड़ तक, जो हमारी मैडम पा रही हैं सुरेखा भार्गव मैडम, वहाँ तक की इनकम पा सकते हैं। मतलब स्काई इज द लिमिट है। और वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें करना क्या है दोस्तों। एक कंसल्टेंट को करना क्या है मोदी केयर में, पहला करना है यूज, दूसरा करना है शेयर। अब शेयर का क्या मतलब है, यूज करने के बाद जैसे बियॉन्ड ब्लू से आपने टॉयलेट क्लीन किया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, एकदम क्लीन हो जाएगा, पहले ग्रीन रहेगा फिर ब्लू हो जाएगा। तो यूज़ किया आपने, अच्छा किया, फिर आप दूसरे को बताते हैं कि सर मार्केट में जो आ रहा है और जो मेरे पास है उससे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इससे इनकम भी पा सकते हैं और शेयर करना है। तो शेयर कैसे करना है, ये चीज़ पे मैं ज़्यादा गौर करता हूँ कि आप शेयर कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले तो जब आप बिजनेस में आते हैं तो अपनी 3 चीज़ें सेट कर लेते हैं। एक तो ड्रीम अपना फिक्स कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। जैसे नंदलाल जी को बाइक चाहिए थी, आपकी शादी से पहले एक अच्छी सी कार चाहिए, उसी से जाएंगे हम लोग। तो छोटे छोटे एक ड्रीम, 2 साल का 5 साल का 10 साल का एक ड्रीम बनाते हैं और उसको जिंदा रखते हैं, क्योंकि ड्रीम ही आपको आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज़ है कि हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। लिस्ट कैसे बनती है, FRIENDS। F से फ्रेंड आ जाएंगे आपके, R से रिलेटिव्स आ जाएंगे, I से इंडस्ट्रियल के लोग आ जाएंगे, E से आपके एम्प्लॉई जो साथ में रहते हैं नेबर्स आ जाएंगे, N से D से लोग आ जाएंगे, S से स्ट्रेंजर्स आ जाएंगे। यानी इस तरह के जितने आसपास के जानने वाले लोग हैं सबको आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, और उन्हीं लिस्ट से आपको बात करनी है, शेयर करना है, ड्रीम लिस्ट। उसके बाद इनवाइट करना है, फिर उनको चौथा काम करना है सौदा प्लान करना है, और पांचवा काम करना है क्लोजिंग करना है, यानी स्पॉन्सरिंग करनी है। स्पॉन्सरिंग के बाद फिर यूज एंड शेयर उनको सिखाना है, और यही ये सिस्टम चलता चला जाएगा। अब इसके बाद शेयर करने का काम क्या है दोस्तों, जो हम शेयर करने जाते हैं किसी से इस बिजनेस को, यानी बिजनेस में शेयर में क्या है, शेयर का मतलब हम बिजनेस शेयर करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट शेयर करने जा रहे हैं, और साथ में दोस्तों हम अपना ड्रीम को भी शेयर करने जा रहे हैं। आए समझ में, अभी तक इस तरह से नहीं बताया हुआ, हम शेयर क्या करने जा रहे हैं, अपने ड्रीम। जैसे हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं आज़ादी मिल जाए, हमें यहाँ वहाँ नौकरी करना पड़े, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिए हम। दूसरा, हम इस बिजनेस प्लान को शेयर करने जा रहे हैं। तीसरा, हम प्रोडक्ट को शेयर करने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें अच्छी लगी और हमने दुकान बदली है तो आप भी बदल लें। अब ड्रीम को शेयर करने का सिंपल है कि आपके क्या ड्रीम है, आप 2-5 साल बाद क्या पाना चाहते हैं, और उसको आप जो है ड्रीम शेयर करेंगे, बताएंगे मैं तो पाने वाला हूँ, मेरे साथ चलो, आपको भी मिलेगा, साथ मिलकर करते हैं बिजनेस, है ना। कोई बिजनेस अकेले होता है क्या, ये बिजनेस आपका 3% आप पे और 97% लोगों पर डिपेंड करता है। अब ड्रीम हो गया, बिजनेस प्लान कैसे शेयर करना है। ड्रीम तो आप खुद शेयर कर सकते हैं, आपको पता है आपने क्या सेट किया हुआ है, और ये जब बोलते हैं आपको लगना चाहिए कि उसकी आंखों में दिखना चाहिए कि आप ये पा जाएंगे, मैं इनके साथ चिपक जाऊं नहीं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। ओके, बिजनेस और प्रोडक्ट शेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग जो बचपन से अभी सीखते आ रहे हैं मोदी केयर बिजनेस में, डेमो करना पड़ेगा। डेमो मतलब किसी भी चीज़ का डेमो, आपके ड्रीम का भी डेमो, जैसे बाहर गाड़ी खड़ी है तो डेमो हो गया, ठीक है, आपके बिजनेस का डेमो, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका ड्रेस, आपका सूट लेट, आपका बातचीत करने का, चलने का, ऐसा सब कुछ बदलता जाएगा। और प्रोडक्ट का भी डेमो होता है, प्रोडक्ट में आप 2 प्रोडक्ट का मिनिमम डेमो करेंगे, मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स का डेमो करेंगे। अब जैसे ब्रश है तो ब्रश के बारे में आपने ऐसे करके बता दिया, घुमा के बता दिया, फ्लेक्सिबल है, आपने स्टेरी क्लीन का डेमो कर दिया, आपने डेमो कर दिया शक्ति का डेमो कर दिया, टीटी आयल का डेमो कर दिया, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट का डेमो कर दिया आपने डाल के सब में छा जाता है, तो वो डेमो तो जरूर करना है। और डेमो के बाद क्या करना है, और प्लान, यही बात तो लिखी ना जेपी मोदी से बता रहे थे कि डेमो प्लान, और बस इस बिजनेस का यही है कि टिकते, ये मतलब डेमो प्लान का मतलब हमारी रोज दुकान खुली है ना, लॉकडाउन में हमारी तब भी दुकान चल रही है जूम ऐप के थ्रू,
यूट्यूब पे और फोन पे। फोन तो लॉक नहीं है ना, हमारे सपने अगर हैं तो ये चीज लॉक तो नहीं है ना, करना है। अब डेमो प्लान में करना क्या है, डेमो तो आप जान गए, प्लान का क्या स्टेप है मैं अब बताने जा रहा हूँ कि प्लान का क्या स्टेप है। प्लान का स्टेप, जब मोदी जी का प्लान दिखाते हैं तो कितने स्टेप्स होते हैं, जब आप स्टेप्स आपको याद रहेंगे तो बीच वाला आप सब भर लेंगे, ठीक है ना, वो आप समझ लो। पहला स्टेप है